2 नवंबर 1438 ईस्वी मारवाड़ के राजा राव रिडमल मेवाड़ आए हुए थे तथा रात को वह सो रहे थे। तभी कुछ लोग उनके महलों की तरफ आते हैं और सोते हुए रिडमल को चारपाई सहित बांध देते हैं। राव रिडमल इतने विशाल थे कि उनके पैर चारपाई से बाहर लटक रहे थे। वह लोग रिडमल के ऊपर चाकू से वार करते हैं। इतने में रिडमल जग जाते हैं और चारपाई सहित खड़े हो जाते हैं। चाकू मारने वाले व्यक्ति को रिडमल जोर से धक्का देते हैं और वह दीवार से टकरा कर मर जाता है। चूंकि राव रिडमल बंधे हुए थे इसलिए वे कुछ करते इससे पहले ही दूसरे व्यक्ति रिडमल पर तलवारों से वार कर उन्हें मार देते हैं और राव रिडमल की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, कौन थे राव रिडमल और क्यों की गई उनकी हत्या, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। दोस्तों, राव रिडमल का जन्म मारवाड़ में हुआ। वह मारवाड़ के राजा राव चुंडा के सबसे बड़े पुत्र थे। राव रिडमल मारवाड़ के उत्तराधिकारी थे, किंतु उनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ और उन्हें जोजावर गांव की जागीर दे दी गई। इस बात से राव रिडमल मन ही मन बड़े दुखी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पिता की आज्ञा अनुसार जोजावर आकर रहने लगे। राव रिडमल जोजावर से मेवाड़ पहुंचे, जहां मेवाड़ के महाराणा लाखा ने उन्हें अपने यहाँ रख लिया। राव रिडमल ने महाराणा लाखा के पास से एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी की तथा अजमेर पर चढ़ाई की तथा कई दिनों के युद्ध के पश्चात अजमेर पर मेवाड़ी झंडा फहरा दिया। इसके कुछ दिनों बाद महाराणा लाखा का देहांत हो गया और मोकल को नया राणा बनाया गया। राव रिडमल मोकल के सेनापति थे। अब राव रिडमल मोकल के संरक्षक तथा मेवाड़ के सेनापति बन जाते हैं, जिससे उनके हाथ में एक बहुत बड़ी फौज आ जाती है। राव रिडमल मेवाड़ के सेनापति बनते ही अपने पिता से मिलने के लिए मारवाड़ की तरफ जाते हैं। परंतु जब वह मारवाड़ पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनके पिता युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं। फिर इन्होंने अपने पिता की इच्छा अनुसार अपने छोटे भाई काना को मारवाड़ की गद्दी पर बैठाया। फिर साल 1426 ईस्वी में इन्होंने मेवाड़ी सेना की सहायता से मारवाड़ पर आक्रमण कर मारवाड़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया तथा पुनः मेवाड़ आ गए। मेवाड़ आने के बाद उन्होंने मोकल के साथ मिलकर बहुत सारे युद्ध लड़े, जिनमें उन्होंने मोकल को फतेह दिलाई। राव रिडमल ने मेवाड़ की सीमाओं को बुलंदियों तक पहुंचा दिया और मेवाड़ में उनका प्रभाव पड़ने लगा। एक दिन रिडमल तथा मोकल अपनी सेना सहित गुजरात के अभियान पर थे। इसी समय चाचा वे मेरा नाम के व्यक्ति मोकल की हत्या कर देते हैं। राव रिडमल को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुए और उन्होंने चाचा वे मेरा को मारने की कसम खा ली। राव रिडमल चाचा मेरा का पीछा करते हैं और उन दोनों को मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद राव रिडमल ने बालक कुंभा को 1433 ईस्वी में मेवाड़ का नया राणा बनाया। दोस्तों, कुंभा बालक थे, उन्हें राजकार्य की समझ नहीं थी, इसलिए रिडमल ने मेवाड़ में अपने सराठोड़ सरदारों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। रिडमल ने मेवाड़ में अपने प्रभाव को फैला दिया, इसलिए कुंभा की दादी हंसाबाई इस बात से चिंतित हो उठी थी। दरअसल दोस्तों, हंसाबाई रिडमल की बहन तथा कुंभा की दादी थी, इसलिए कुंभा की दादी हंसाबाई इस बात से नाराज होने लगी। रणमल कुंभा को हटाकर मेवाड़ पर अधिकार न कर ले, ऐसे विचार हंसाबाई के मन में आने लगे। कुंभा के चाचा राघव देव ने रणमल का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन राव रिडमल ने राघव देव को एक चेतावनी दी, लेकिन फिर भी राघव देव नहीं माना, इसलिए रणमल ने राघव देव की हत्या कर दी। इस बात को सुन कुंभा की दादी हंसाबाई बहुत चिंतित हुई, इसलिए उन्होंने राघव देव के भाई चुंडा को वापस मेवाड़ बुलाया, जिसे उन्होंने कुछ समय पहले मेवाड़ से निकाल दिया था। चुंडा के मेवाड़ आते ही रणमल समझ गया कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए रणमल ने अपने सभी राठौड़ सरदारों को सावधान कर दिया। अंत में 1438 ईस्वी में चुंडा रणमल की हत्या कर देता है और रणमल की कहानी डी एंड हो जाती है। दोस्तों, राव रिडमल एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने एक गांव की जागीर से पूरे मारवाड़ पर अपना सिक्का कायम कर दिया। और आगे रणमल के पुत्र राव जोधा की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।